एमबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं विधानसभा चुनाव का अब चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो आखिरी दिन में पहुंच चुका है और आज आखिरी दिन इसका है और जमकर प्रत्याशी जो है चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आतिशबाजी हो रही है, ढोल धमाके के साथ में जो है, ढोल ताशों के साथ में हर जगह जो है फटाखे फोड़े जा रहे हैं और इस तरह से पूरे दमखम के साथ मैदान में प्रत्याशी फिलहाल उतरे हुए हैं। अभी फिलहाल मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे एडिटर नवीन जी पटेदार, जिनसे हम जानकारी लेंगे जावद में कांग्रेस प्रत्याशी समंदर पटेल के जनसंपर्क की से जुड़ी। जी नवीन जी, बताएं क्या अपडेट है, क्या माहौल है? मैं अगर बात किया तो जावद ने त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर मंत्री और विधायक ओम प्रकाश सकलेजा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। तो अगर बात करें तो निर्दलीय रूप से अगर बात करें तो जिस तरीके से जो निर्दलीय प्रत्याशी वो अपने मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो जिस तरीके समंदर पटेल अपने मैदान में है, तो ये तमाम जो तीनों प्रत्याशी है वो लगातार अपना अपना जनसंपर्क कर रहे हैं और आखिरी वक्त कुछ घंटे बचे हैं। अब जो है जिस तरह 5 बजे कहा जा रहा है कि 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा, कि उसमें गाजे बाजे नहीं रहेंगे, उसके बाद से डोर टू डोर जनसंपर्क चलेगा। जैसे बात किया था, एक माहौल बनाने की कोशिश जो है निर्दलीय प्रत्याशी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी कर रहे हैं और चाहते हैं कि जितना इस वक्त प्रचार किया जा सकता है उतना माहौल बना रहेगा। ऐसे में तीनों प्रत्याशी अपना अपना दम भर रहे हैं। खासकर अगर बात किया है तो समंदर पटेल अपना दम दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं जावद से और लगातार यहां से विधायक रह चुके हैं ओम प्रकाश सकलेचा भी अपना दम भर रहे हैं। जिस तरीके उनके समर्थन में बड़ी जनसंपर्क में बड़ा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी बता रहे हैं और वीडियो भी बता रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। नवीन जी, बात की जाए तो जनता का रुझान, हवा का रुख, आखिरी समय में स्थिति किस तरह की यहां पर है? मैं अगर बात किया तो ये वक्त जो है ये शक्ति प्रदर्शन का है, क्योंकि जो कैंडिडेट है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, वे सभी जो है शक्ति प्रदर्शन इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि हवा का रुख किस तरफ होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता मौजूद है, कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता मौजूद है, निर्दलीय प्रत्याशी के जो है समर्थक कांग्रेस वो मौजूद है। तो इसमें बात किया तो अभी हवा का रुख क्या है ये नहीं कह सकते, लेकिन अब जो प्रचार थमेगा उसके बाद किस तरीके से डोर टू डोर ये कार्यकर्ता उनके साथ दिखते हैं, ऐसे में फिर अपने को अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से हवा का रुख किस तरह वो बैठ रहा है। और समंदर पटेल का ये जनसंपर्क अब आगे और कहाँ कहाँ जाने वाला है नवीन जी? समंदर पटेल की बात की जाए तो यहाँ से वे लगातार जो है चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो कांग्रेस से उन्हें टिकट मिला, तो लगातार अभी जो है आखिरी वक्त चल रहा है तो लगातार मंडी की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरा जावज उन्होंने नाप दिया, तमाम जो कोना है वो कोने को अपनी छोड़ा, लगातार उनके बीच में जा रहे हैं और आखिरी वक्त का आशीर्वाद जो है जनता से लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जी, तो जिस तरह से आपने जाना कि फिलहाल जो है कांग्रेस के प्रत्याशी समंदर पटेल अपना पूरे दमखम के साथ जावद में हर कोने कोने में अपना महा जनसंपर्क कर रहे हैं, धुआंधार जनसंपर्क उनका लगातार जारी है और हर प्रत्याशी के ऐसी अपडेट के लिए लगातार बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।